अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हबीबुर रहमान बेग। 580 वाट सोलर पैनल प्राइसेस इन पाकिस्तान। अगर आप अपने घर के अंदर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो इस वक्त ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सोलर की प्राइसेस पिछले 2-3 महीनों से नीचे आ रही थी, अब ये लोएस्ट लेवल पे आ गई हैं। हो सकता है इससे और लोएस्ट प्राइसेस हो जाए, और नीचे आ जाए प्राइसेस, लेकिन साथ साथ ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद डॉलर का रेट अगर दोबारा अचानक से बढ़ गया तो फिर सोलर प्राइसेस बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब चीजें बढ़ती हैं तो बढ़ती रहती हैं, जो नीचे आती हैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती हैं। आने में आपको पता है 3 महीने लग गए हैं, 3 महीने पहले से इंटरनेशनल मार्केट में सोलर प्राइसेस गिर रही थी, और लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत देर लगाई इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके। अब सोलर पैनल के क्या रेट्स हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैंने कंप्लीट आपको बताया है कि 580 वाट के डिफरेंट जो कंपनीज है, जिंको है, लोजी है, फिर REC है, ट्रीना है, मुख्तलिफ कंपनीज के इस वक्त क्या रेट चल रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर आपने अपने घर के अंदर सिस्टम लगवाना है तो अपनी छत का साइज, अपना सिटी और आपका जो बजट है वो आपने इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बताना है, तो मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूं। ठीक है जी। दूसरी चीज ये है कि मेरे चैनल के ऊपर 1,80,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन 10 लाख से ज्यादा लोग महीने के वीडियोस देखते हैं। 10 लाख लोग महीने के मेरे वीडियोस देखते हैं, व्यूज 10 लाख से ऊपर हैं, और जो सब्सक्राइबर हैं वो 1,80,000 है। तो इसका मतलब ये है कि जो 8,20,000 लोग हैं वो उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, यानी 80% से ज्यादा 82% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आपको मिल सके। ठीक है जी, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। 580 वाट का जो जिंको का सोलर पैनल है एन टाइप में टाइगर न्यू ब्रांड के साथ, उसकी कीमत है 31,900 रुपया, 31,900 रुपीज। 580 वाट का जो लोंगी का हाइबो 5 सोलर पैनल है उसकी कीमत है 30,700 रुपया आज का रेट है, और लोंगी का हाइबो 6 जो है वो 34,200 रुपए का। आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि अगले 1 महीने में इसके रेट और नीचे आ जाए, 40 रुपए वाट आ जाए या 35 रुपए वाट आ जाए, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, और पाकिस्तान में भी डॉलर का रेट नीचे आया है, 40 रुपए लीटर तो पेट्रोल नीचे आ गया है, और हो सकता है डीजल जो है, डीजल भी अगले चंद दिनों के अंदर अंदर 20-25 रुपए और नीचे आ जाए। ठीक है जी। 580 वाट का जो कैंडीन सोलर है उसकी कीमत है 30,700 रुपया। 580 वाट का जो JA सोलर कंपनी है उसकी कीमत है 29,000 रुपीज। 580 वाट का जो REC सोलर का जो सोलर पैनल है उसकी कीमत है 30,100 रुपया। 580 वाट का जो ट्रीना सोलर है उसकी कीमत है 31,500 रुपया। 580 वाट का जो क्यू सेल का सोलर पैनल है उसकी कीमत है 31,600 रुपया। अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाना है 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट, इवन 15 किलोवाट का, तो मैंने पिछले 6-7 महीनों में बेशुमार वीडियोस बनाई है, 200+ वीडियोस है मेरे, जो मैंने 1 किलोवाट से लेकर 15 किलोवाट तक मुख्तलिफ सिस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। उसमें कितने सोलर प्लेट्स लगेंगी, कौन कौन सी कंपनी की आप ले सकते हैं, आप बाईफेशियल ले सकते हैं, सिंगल फेशियल ले सकते हैं, उसकी क्या बाईफेशियल के क्या फायदे है, एन टाइप का क्या फायदा है, पी टाइप का क्या फायदा है, टाइगर न्यू ब्रांड क्या है जिंको का, और हाइबो 6 क्या है लोगी का, कैंडी सोलर में क्या क्या ब्रांड्स आ रहे हैं, REC में क्या क्या चीजें आ रही है, ये सारे को बताया, आप पुराने वीडियोस को देखें, और कोई भी चीज अगर चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।